अलवर शहर में सुबह भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू के द्वारा श्रम विभाग के मुख्य आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया गया। यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ बेवजा ने बताया कि राजस्थान सरकार ने अलवर सहित पूरे राजस्थान में मजदूरों की योजनाएं बिल्कुल बंद कर दी है, जिससे मुख्य रूप से मजदूर की बच्ची की शादियों के लिए जो राजस्थान सरकार शुभ शक्ति योजना के तहत 55,000 देती थी वह बिल्कुल बंद कर दी गई। उसके साथ बच्चों की शिक्षा सहित अन्य आवेदनों को सरकार ने ऑनलाइन लेने के बाद भी उनके ऊपर अभी तक कोई भी कार्य सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया है। इन समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान ट्रेड यूनियन सीटू ने मुख्यमंत्री के नाम श्रम आयुक्त को ज्ञापन दिया। यूनियन के अध्यक्ष बवेजा ने बताया कि चेतावनी देते हुए बताया, एक महीने का समय सरकार को दिया जाता है, यदि एक महीने में हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जयपुर मुख्यालय के श्रम कार्यालय में राजस्थान के सभी ट्रेड यूनियन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हाँ जी, ये आज नाम आपको? नाम रघुनाथ बवेजा, सीटू का जिलाध्यक्ष हूँ और आज पूरे राजस्थान के अंदर निर्माण श्रमिकों की ओर से जो उनके तीन तीन साल से आवेदन पत्र लटके हुए हैं, कई योजनाएं, शुभ शक्ति योजनाएं, जो बच्चियों की शादी पर 55,000 रुपया जो मिलता था सरकार की तरफ से, वो चार फार से लगातार पोर्टल ही बंद कर दिया, आवेदन पत्र ही नहीं चढ़ पा रहे। और बाकी छात्रवृत्ति की योजनाएं जो बच्चों को जो है शिक्षा के लिए आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति इसकी योजना का लाभ मिलता था, चार चार साल हो गए, तीन तीन साल हो गए, उनके आवेदन पत्र ऑनलाइन कंप्यूटरों में लटके हुए हैं और कई बार प्रदर्शन किए, कई बार इनको ज्ञापन दिए, लेकिन इन लोगों के नींद नहीं खुली। आज किसको ज्ञापन दे रहे हैं? आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम श्रम विभाग के DLC को ज्ञापन देंगे। उसमें ये लिखा है कि अगर एक महीने के अंदर अंदर ये समस्याओं का हल नहीं हुआ तो 27 सितंबर को पूरे राजस्थान में वहाँ जयपुर श्रम विभाग पर घेराव किया जाएगा और जब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। क्या नाम है आपका? जी सब जी बताएं किन मांगों को लेकर आज हम श्रम जो आयुक्त है इसके पास आए हैं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए। और जैसा कि बवेजा जी ने बताया कि पिछले चार सालों से जो श्रमिकों के लिए, जो मजदूरों के लिए जो योजनाएं बना रखी हैं वो बिल्कुल फ्लॉप पड़ी हैं, बंद पड़ी हैं। मजदूरों को बेनिफिट, मेहनतकश को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो हम उस सरकार को आगाह करना चाहते हैं, अब तो एक निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके उन मेहनतकशों के लिए, उन मजदूरों के लिए आप उन योजनाओं को जो उनके लाभार्थी योजनाएं उनको जल्दी से आप शुरू कर दें, अन्यथा हमको उग्र रूप धारण करना पड़ेगा और पूरे राजस्थान में हम पूरे राजस्थान के मजदूर और मेहनतकश वहां जयपुर पड़ाव देंगे और मुख्यमंत्री आवास का और विधान